दोस्तों, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने दाग, आज़ाद, देवदास, नया दौर, मुगले आज़म, लीडर, राम और श्याम, शक्ति, कर्मा और सौदागर जैसी सदाबहार फिल्मों में अपना शानदार अभिनय दिया और सदा के लिए अमर हो गए। आइए देखते हैं उनकी कुछ फिल्मों से उनके कुछ बेहतरीन डायलॉग्स। दोस्तों, हम आपको पूरे डायलॉग्स नहीं दिखा पाएंगे, बस कुछ डायलॉग्स की झलक आपको दिखाएंगे और साथ में उन डायलॉग से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे। इन डायलॉग्स की झलक देखकर आपको पता चलेगा कि दिलीप साहब कितने बड़े अभिनेता थे। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है, ये डायलॉग है फिल्म देवदास से। इसी फिल्म से दिलीप कुमार का नाम ट्रेजेडी किंग पड़ गया था। इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए दिलीप कुमार को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बिमल रॉय ने और ये फिल्म रिलीज हुई थी दिसंबर 30, 1955 को। तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता। ये डायलॉग है फिल्म मुगले आजम से। मुगले आजम 40 सालों तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी रही। दिलीप कुमार के साथ साथ इस फिल्म में मधुबाला की एक्टिंग भी देखने लायक थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था के आसिफ ने और ये फिल्म रिलीज हुई थी 5 अगस्त 1960 में। ये डायलॉग लिया गया है फिल्म मशाल से। कहा जाता है कि दिलीप कुमार ने 4 दिनों तक इस सीन की रिहर्सल की थी, उसके बाद ही ये सीन उन्होंने किया था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा ने और ये फिल्म रिलीज हुई थी 9 फरवरी 1984 को। आज मैं एक बाप की हैसियत से तुम्हें समझा रहा हूँ, कल एक पुलिस अफसर की हैसियत से मैं तुम्हारे साथ न कोई रियायत कर सकूंगा न हमदर्दी। अगली बार तुम एक बाप से मिलोगे या पुलिस अफसर से, इसका फैसला तुम्हें खुद करना होगा। यह डायलॉग है फिल्म शक्ति से। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म से रिलेटेड एक किस्सा शेयर किया था। इस फिल्म का एक सीन था जहां दिलीप कुमार एयरपोर्ट पर अमिताभ को गोली मारते हैं और जब वह मरने लगते हैं तो उन्हें थाम लेते हैं। जब अमिताभ इस सीन की प्रैक्टिस कर रहे थे तब बैकग्राउंड में जोर से आवाजें आ रही थी। अमिताभ जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि तब दिलीप कुमार क्रू पर जोर से चिल्लाए कि वे शांत रहें ताकि अमिताभ प्रैक्टिस कर सके। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रमेश सिप्पी ने और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1 अक्टूबर 1982 को। हाँ तो दिखा अपनी उड़ान, अब जो खड़ा तू और जो खड़ा मैं और जरा बीच में पिस्तौल, उठाए पिस्तौल और चला गोली मुझ पर, निकाल ले तो अपने दिल के अरमान, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। ये डायलॉग है फिल्म सौदागर से। इस फिल्म में राजकुमार और दिलीप कुमार 32 साल बाद एक साथ एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए थे। इससे पहले इन दोनों ने 1959 में फिल्म पैगाम में काम किया था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सुभाष घई ने और ये फिल्म रिलीज हुई थी 9 अगस्त 1991 को। आप अपना धंधा फैलाने आए हो और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे हो, ये कहां का इंसाफ है? बाबू, हम तो सुनते आए हैं कि बड़े लोग बस्ती बसाते हैं, आप इसे उजाड़ना चाहते हो क्या? ये डायलॉग है फिल्म नया दौर का। इस फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के बुदनी जंगल में हुई थी। यहाँ करीब 8 महीने तक इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बीआर चोपड़ा ने और ये फिल्म रिलीज हुई थी 15 अगस्त 1957 को। अरे तोरे कारण तो कुत्ता भी न मरे बेगैरत, दूसरे गांव का साथ देते गद्दार, हम दंगा फसाद किया है साहब, बराबर हम दंगा फसाद किया है। ये डायलॉग है फिल्म गंगा जमुना से। कहानी में गंगा जमुना विधवा माँ के 2 बेटे हैं। गंगा माँ के साथ जमींदार के यहाँ काम करता है तो वहीं जमुना शहर जाकर पढ़ाई करता है और बाद में पुलिस अफसर बन जाता है।
इस फिल्म के डायरेक्टर थे नितिन बोस और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1961 में। रुपया क्या है सर जी? रुपया क्या है? मिट्टी की तरह एक बेजान बेकार चीज है, लेकिन जिस तरह मिट्टी में मेहनत का बीज बोए बगैर पैदावार नहीं हो सकती, उसी तरह रुपए के साथ जब तक मेहनत का मेल नहीं होगा दुनिया में कभी कोई तरक्की नहीं होगी। ये डायलॉग है फिल्म पैगाम से। इस फिल्म में राजकुमार और दिलीप कुमार ने एक साथ काम किया था। फिल्म में राजकुमार बड़े भाई बने थे और दिलीप कुमार छोटे भाई। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एसएस वासन और रामानंद सागर ने। ये फिल्म रिलीज हुई थी 30 अक्टूबर 1959 में। मुजरिम हूं मैं अपनी मातृभूमि का, इस देश की सरजमीन का मुजरिम हूं, जिसका जर्रा जर्रा मेरे जमीर को ललकारता है, कहता है धिक्कार है तुम पर सांगा, धिक्कार है तुम अब तक विदेशी भेड़ियों को इस देश से बाहर नहीं निकाल सके। ये डायलॉग है फिल्म क्रांति से। इस फिल्म में पहली बार मनोज कुमार को दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म को मनोज कुमार ने ही डायरेक्ट किया था और ये फिल्म रिलीज हुई थी 6 फरवरी 1981 में। मैं ऐसे कानून और इंसाफ के खिलाफ बगावत करना अपना फर्ज समझता हूँ। जालिम ब्रूटस के खिलाफ मैं सारे रोम को खड़ा कर दूंगा। मैं उसके मनहूस मुंह पर से अदल इंसाफ का झूठा चेहरा नोच के फेंक दूंगा, ताकि दुनिया उसकी असली और भयानक शक्ल देख सके। ये डायलॉग है फिल्म यहूदी से। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चली, लेकिन इस फिल्म के गाने काफी लोकप्रिय हुए। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बिमल रॉय ने और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1958 में।